मिश्रा आईएएस एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और पिछली कुछ क्लासेस में हम लोग फोर्थ पेपर से संबंधित जो करप्शन का टॉपिक है उस पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इस टॉपिक के अंदर बहुत सारे चीज़ों को जानने का हमें मौका मिलता है। और इसी दौर में कल हमने आपको बताया था कि हमारे देश में विजिलेंस कमीशन का गठन किस तरह से हुआ, यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का फॉर्मेशन किस तरह से हुआ, तो उसके पीछे की जो एक तरह की एक कहानी थी, एक स्टोरी थी, वो हमने आपको इससे पिछली क्लास में बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसे ज़रूर देखिए और इसके लिए आप सब्सक्राइब कीजिए। और उससे पहले के भी जो करप्शन को इरेडिकेट करने से संबंधित जो वीडियोज़ हैं उस पर एक नज़र ज़रूर डालिए। तो आइए देखते हैं कि ये जो टॉपिक है इसके अंतर्गत हम सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का गठन किस तरह से होता है, उसका कंपोजिशन क्या होता है और वो काम कैसे करते हैं और करप्शन को दूर करने में इनकी क्या भूमिका होती है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली चीज ये कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का गठन जो हुआ है ये तो आपको पता है कि संथानम कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर हुआ। संथानम कमेटी रिपोर्ट जो है ये इसका गठन 1962 में हुआ और 1964 में जब इसकी रिपोर्ट आई तो संथानम कमिटी रिपोर्ट के आधार पर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का गठन किया गया। लेकिन सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को जो स्टैट्यूटरी फॉर्म दिया गया उस स्टैट्यूटरी फॉर्म देने में कई साल लग गए। पहले तो इसके ऊपर ऑर्डिनेंस लाया गया 98 में और ऑर्डिनेंस कई बार लाते लाते फिर 2003 में जाकर इसको स्टैट्यूटरी फॉर्म बनाया गया, जैसे कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये एक वैधानिक संगठन के रूप में, एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एस्टैब्लिश हुआ। उसके सारी घटनाओं का भी हमने उल्लेख किया कि किस तरह से हवाला जैन डायरी का जिक्र हुआ, सुप्रीम कोर्ट में किसी और विषय पर चर्चा हो रही थी और उसी दौरान एक जैन डायरी का जिक्र हुआ और उसमें जो है बहुत सारे राजनीतिज्ञों का नाम पता चला और उससे ये पता चला कि जो सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन है वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को एक स्टैट्यूटरी बोर्ड, स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए एडवाइस किया और अपने डायरेक्शंस में उन सब बातों का उल्लेख करते हुए, तो अल्टीमेटली उस समय जो गवर्नमेंट थी 2003 में उन्होंने इसे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन, एक वैधानिक संस्था के रूप में स्थापित किया। लेकिन ये चीज बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, संवैधानिक संस्था नहीं है, ये एक वैधानिक संस्था है। वैधानिक मतलब ये हुआ कि ये संसद के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा बनाई गई संस्था है। अब ये देखते हैं कि ये जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, इस सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में कौन-कौन लोग होते हैं। तो देखिए सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है ये अब मल्टी, यानी कि बहुसदस्यीय, यानी मल्टी मेंबर जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके एक तो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होते हैं यानी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होते हैं और उनकी मदद के लिए दो सतर्कता आयुक्त होते हैं यानी विजिलेंस कमिश्नर होते हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। फिर दूसरी चीज ये कि इनके अपॉइंटमेंट कैसे होता है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है क्योंकि इसमें फैक्ट्स हैं काफी सारे। तो पहली चीज, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में कौन होंगे, तो एक होंगे सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और उनकी मदद के लिए होंगे दो विजिलेंस कमिश्नर्स, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं, अपॉइंटमेंट कैसे होता है, तो अपॉइंटमेंट होता है प्रेसिडेंट के द्वारा, राष्ट्रपति महोदय इनकी नियुक्ति करते हैं यानी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, और अन्य जो सतर्कता आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। तो क्या राष्ट्रपति अपनी मर्जी से करते हैं, नहीं, राष्ट्रपति को एक कमिटी के द्वारा रिकमेंडेशन किया जाता है, एक कमिटी रिकमेंड करती है, एक कमिटी रिकमेंड्स। कौन कौन होते हैं उस कमिटी में, तो देखिए एक तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रधानमंत्री स्वयं होते हैं और इसके अलावा मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्री, होम अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स होते हैं एंड लीडर ऑफ अपोजिशन या इन लोकसभा, लोकसभा में जो भी विपक्ष के नेता होते हैं वो भी इस कमिटी के सदस्य होते हैं। तो इन तीन सदस्यों वाली कमिटी के रिकमेंडेशन के आधार पर, सिफारिश के आधार पर जो है
सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और विजिलेंस कमिश्नर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक, यहाँ पर अच्छा ये जो कमिटी होती है इसके चेयरपर्सन होते हैं प्राइम मिनिस्टर स्वयं, प्रधानमंत्री स्वयं इस कमिटी के चेयरपर्सन होते हैं, जिस कमिटी के रिकमेंडेशन के आधार पर प्रेसिडेंट जो है वो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर एंड अदर विजिलेंस कमिश्नर की नियुक्ति करते हैं। दूसरी बात रिमूवल के बारे में देखते हैं कि इनको हटाया कैसे जा सकता है, तो इनको हटाया भी राष्ट्रपति के द्वारा जा सकता है, यानी कि दे कैन बी रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट ऑन द बेसिस ऑफ द इंक्वायरी मेड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। तो ये बात आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि उनको हटाएंगे कौन, तो हटाएंगे उनको प्रेसिडेंट, यानी अगर मान लीजिए कि अगर वो इनकैपेसिटी है, अगर वो अयोग्य है, अक्षम है, काम नहीं कर पा रहे, या कोई वो करप्शन केसेस में खुद ही फंस गए, या किसी मिसबिहेवियर यानी कि यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा किसी सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में फंस गए, यानी कि कोई कहीं ना कहीं ऐसा जिससे कि वो अतिरिक्त लाभ ले रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में यानी करप्शन की जो परिभाषा है उसमें शामिल हो रहे हैं, तो इसीलिए राष्ट्रपति क्या करते हैं उनको हटा सकते हैं। लेकिन राष्ट्रपति सीधे सीधे अपनी मर्जी से नहीं हटाते, कैसे हटाते हैं, तो उनको हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो होते हैं उसके ऊपर इंक्वायरी करते हैं, यानी जांच करते हैं कि ये जो आरोप लगाए गए हैं सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के ऊपर या विजिलेंस कमिश्नर के ऊपर वो वास्तव में वो आरोप सही है या नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी के आधार पर अगर ये पता चलता है कि लगाए गए आरोप सही है तो राष्ट्रपति द्वारा उन्हें हटाया जा सकता है। तो एक तो बात होगी अपॉइंटमेंट की, फिर दूसरी बात हो गई रिमूवल की। अब देखते हैं टर्म, कितने सालों के लिए रहते हैं अपने पद पर। तो ये तो हमने आपको बताया, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन कि वन सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर एंड टू विजिलेंस कमिश्नर्स, ये जो सीबीसी का जो बॉडी है, सीबीसी जो संस्था जिसको हम लोग कहते हैं, इसमें एक सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होते हैं और दो विजिलेंस कमिश्नर होते हैं। इनका टर्म क्या होता है, तो 4 सालों के लिए नियुक्ति होती है, दे आर अपॉइंटेड फॉर 4 ईयर्स, 4 सालों के लिए नियुक्ति होती है इनके एंड टिल दे अटेन द एज ऑफ 65 ईयर, जो भी पहले हो जाए, यानी मान लीजिए 65 साल की उम्र अगर पहले ही हो गई तो पहले ही उनको रिटायर होना पड़ेगा, अन्यथा वो 4 साल के अपने कार्यकाल पूरा कर सकते हैं। तो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और विजिलेंस कमिश्नर की जो नियुक्ति होती है वो 4 वर्षों के लिए या फिर 65 वर्ष की आयु तक की जा सकती है। अब मेन बात यह है कि ये काम कैसे करते हैं, काम क्या करते हैं और कैसे करते हैं। तो देखिए सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के बारे में, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को जानना और समझना, इसको बहुत विस्तृत टॉपिक है, लेकिन यहां पर हम संक्षेप में आपसे बात कर रहे हैं। तो फंक्शन को अगर आप समझेंगे तो इसके करप्शन को दूर करने में इनकी क्या भूमिका है वो भी समझ जाएंगे। तो पहली चीज तो देखिए ये क्या करते हैं, रिसीव्स कंप्लेंट्स ऑन करप्शन और मिसयूज ऑफ ऑफिस एंड रिकमेंड appropriate actions। क्या करते हैं ये, अगर मान लीजिए किसी डिपार्टमेंट में, किसी मंत्रालय में, किसी विभाग में अगर कोई करप्शन के केस होते हैं या कोई मिसयूज ऑफ पावर, कोई अधिकारी जो है अपने डिस्क्रिशनरी पावर का दुरुपयोग करते हैं, मिसयूज द डिस्क्रिशनरी पावर, अपने पावर का दुरुपयोग करते हैं, अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं, तो करप्शन हो गया। तो अगर करप्शन करते हैं तो इनके पास देखिए ये जो है फिर अपना एप्रोप्रिएट तरीका, जो इनको तरीका सही लगता है उस तरह के करप्शन को दूर करने के लिए वो अपनाते हैं। कैसे क्या अपनाते हैं वो आगे आपको बताते हैं। लेकिन फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस एंड बॉडीज और ए पर्सन कैन अप्रोच टू सीबीसी, कौन कौन लोग सीबीसी तक अप्रोच कर सकते हैं। तो देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ही अप्रोच कर सकते हैं केंद्र सरकार की, हमारे इस विभाग में कुछ गड़बड़ी हो रही है, आप जो है इसके बारे में देखिए, पता लगाइए क्या हो रहा है, तो ये उसकी जांच कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। लोकपाल कानून जो 2013 का है, लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम 2013, उसमें भी कुछ व्यवस्था ऐसी की गई है कि कुछ मामले जो लोकपाल के पास आते हैं वो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को रेफर किया जा सकता है। तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट
के विभिन्न डिपार्टमेंट सीबीसी के पास आ सकते हैं, लोकपाल के कुछ काम इनके पास आ सकते हैं, और व्हिसिल ब्लोअर्स जिसके बारे में आपको पहले बताया गया है विस्तृत रूप से, व्हिसिल ब्लोअर्स यानी किसी भी विभाग में, किसी मंत्रालय में, किसी डिपार्टमेंट में, कॉरपोरेशन में जो व्हिसिल ब्लोअर्स होते हैं, व्हिसिल ब्लोअर का मतलब तो बहुत विस्तृत रूप से समझाया गया है यहाँ पर, तो अब उतना जिक्र करने की जरूरत नहीं है। व्हिसिल ब्लोअर्स वो होते हैं जो किसी भी भ्रष्टाचार की जानकारी यानी कहीं पर अगर कोई मिसयूज ऑफ पावर हो रहा है या करप्शन हो रहा है तो वो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को रिपोर्ट कर सकते हैं। तो व्हिसिल ब्लोअर्स अपनी रिपोर्ट कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है बता सकते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को, लोकपाल जो है कुछ काम ऐसे रहते हैं वो सीवीसी को सौंप सकते हैं। तो इस तरह से अलग-अलग तरह से कंप्लेन जो है वो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के पास आता है। और देखिए क्या करते हैं, अब ये जानकारी जरूरी है कि कई लोग सोचते हैं कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो होता है ये खुद इन्वेस्टिगेट करता है, ये खुद इन्वेस्टिगेट नहीं करता है, ये खुद इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है, इट इज नॉट एन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। तो फिर ये कैसे करप्शन को दूर करेगा? तो देखिए ये मदद लेता है दो संस्थाओं से। नंबर एक, इन्वेस्टिगेशन डन थ्रू द सीबीआई, एक तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की मदद लेता है ये, और दूसरा थ्रू द चीफ विजिलेंस ऑफिसर्स इन गवर्नमेंट ऑफिसेस। विभिन्न जो सरकारी विभाग और मंत्रालय हैं वहां पर जो भारत सरकार के, जो केंद्र सरकार के जो विभाग या मंत्रालय हैं या कार्यालय हैं, जो बड़े बड़े ऑफिसेज हैं, इवन कॉरपोरेशंस जो है पब्लिक सेक्टर कॉरपोरेशंस, तो उन सभी जगहों पर सेंट्रल विजिलेंस या चीफ विजिलेंस ऑफिसर्स होते हैं, चीफ विजिलेंस सीबीओ बोलते हैं उनको, और तो सीबीआई और सीबीओ की मदद से ये इन्वेस्टिगेशन का काम करते हैं, इन्वेस्टिगेशन का काम करते हैं। ठीक, अब देखिए इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है इंक्वायर करने के लिए, इनके पास भी कुछ टीम है, ऐसा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के पास भी कुछ टीम है जो इनको मदद करता है, या कहीं ये अपने जो टीम के यानी सीबीसी के जो सदस्य होते हैं, काम करने वाले अधिकारी कर्मचारी होते हैं उसमें, उनका भी ये उपयोग करते हैं। अब देखिए ये क्या कह रहे हैं कि एम्पावर्ड टू इंक्वायर इंटू ऑफेंसेज एलिग्ड टू हैव बीन कमिटेड अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 बाय सर्टेन कैटेगरीज ऑफ पब्लिक सर्वेंट। ठीक, बहुत सिंपल है कि इनको यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को ये भी एक पावर दिया हुआ है कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 में जो करप्शन को अपराध घोषित किया गया है, बनाया गया है, बहुत विस्तृत एक्ट है, उसके ऊपर भी अलग से बात करेंगे। तो करप्शन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के कानून के तहत अगर कोई कर्मचारी, कोई अधिकारी अगर कानून को वायलेट करते हैं तो एक सर्टेन कैटेगरी से ऊपर के अधिकारियों की जांच भी, इंक्वायरी भी सीबीसी कर सकती है। यानी जहां पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 का वायलेशन होगा यानी कि उल्लंघन होगा, वहां पर सीबीसी जो है वो जांच कर सकती है। तो ये भी एक फंक्शन में आप ध्यान रखिए। इसके अलावा इसकी जो एनुअल रिपोर्ट होती है जो ये सरकार को देते हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो अपनी रिपोर्ट सरकार को देते हैं, तो उसमें बहुत सारी जगहों पर ये बताते हैं कि एनुअल रिपोर्ट गिव्स डिटेल्स ऑफ द वर्क डन बाय द कमीशन एंड पॉइंट्स सिस्टमेटिक फेल्योर्स व्हिच लीड टू करप्शन इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। एकदम सरल भाषा में इसको समझ लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो एनुअल रिपोर्ट बनाते हैं उस एनुअल रिपोर्ट में बहुत सारे विभागों और मंत्रालयों की जो गड़बड़ियां हैं यानी कमजोरियां हैं एंड पॉइंट्स ऑफ सिस्टमेटिक फेल्योर्स, जानबूझ करके किसी सिस्टम को फेल्योर कर देते हैं यानी सिस्टम का गलत उपयोग करते हैं और उसका उपयोग भ्रष्टाचार में करते हैं। तो सीबीसी बहुत ही इंटेलिजेंट तरीके से वो जो सिस्टमेटिक फेल्योर किया जाता है यानी कि जो विभागों में जो गड़बड़ी पैदा करके भ्रष्टाचार किया जाता है वो पहले से ही अंदाजा लगा लेते हैं, या फिर अगर ऐसी कोई घटना हुई है
तो उसके बारे में उनको जानकारी आ जाती है और फिर बाद में उसे जांच करा सकते हैं, इंक्वायरी करा सकते हैं। तो एनुअल रिपोर्ट के माध्यम से भी हमको बहुत सारी जानकारी यहाँ पर मिल जाती है। इसके अलावा इम्प्रूवमेंट एंड द प्रिवेंटिव मेजर्स आर ऑल्सो सजेस्टेड इन रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट में ये भी मदद बताया जाता है कि वो जो गड़बड़ी हुई जिसके कारण करप्शन हुआ, आगे से वो नहीं हो, इसके लिए क्या ऑर्गेनाइजेशनल रिफॉर्म होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में क्या चेंज होना चाहिए, ये सब काम भी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के द्वारा किया जाता है। ये सब मशीनरी है, यानी हमारे पास, यानी भारत में जो तंत्र विकसित किए हैं करप्शन को दूर करने में, उन तंत्र में से एक बड़ा तंत्र है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, यानी कि द मशीनरी डेवलप्ड इन इंडिया टू स्टॉप द करप्शन, वन स्ट्रॉन्ग मशीनरी इज सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। अब आप सोचेंगे दूसरे भी मशीनरी, यहाँ बहुत सारे मशीनरी है, लोकपाल भी है, लोकायुक्त राज्यों में है, लोकपाल पूरे देश में है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन पूरे देश में है। इसके अलावा जो हमारे पास ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 है, ये एक एक्ट है, एक कानून है, ये भी एक मशीनरी है जिससे करप्शन को रोकने में मदद मिलती है। इसके अलावा जो व्हिसिल ब्लोअर एक्ट है वो भी एक मशीनरी है जिससे कि करप्शन करने वाले लोगों में डर पैदा किया जा सके। तो आपको मैंने एक अलग चीज बताई थी कि फैमिली कैसे करप्शन को रोक सकती है, सोशल मीडिया कैसे रोक सकती है, प्रिंट मीडिया कैसे रोक सकती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कैसे रोक सकती है, सिविल सोसाइटी कैसे रोक सकती है, वो एक अलग विषय हो जाता है। और ये एक मशीनरी है जो सरकार ने, संसद ने, देश के, यानी कुल मिला के देश के कि जो जनता है उस जनता का पैसे का दुरुपयोग ना हो, भ्रष्टाचार ना हो, उसे गलत तरीके से जो है उसका दुरुपयोग ना हो, मिसयूज ना हो, उसको रोकने के लिए मशीनरी विकसित की गई। तो ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन उन्हीं मशीनरीज में से एक महत्वपूर्ण मशीनरी है। तो अब ये जो है सीवीसी, अब देखिए सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में क्या होता है, तो इसका एक सेक्रेटरिएट होता है, उसमें बहुत सारे सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी होते हैं, सचिव स्तर के अधिकारी होते हैं। तो एक सेक्रेटरिएट होता है इनके पास, जहां पर जो है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर को मदद करने के लिए, सचिवालय यानी सेक्रेटरिएट मदद करने के लिए, एक तो सेक्रेटरी होते हैं, इसके अलावा कुछ एडिशनल सेक्रेटरी होते हैं, 30 तो डेप्टी सेक्रेटरीज होते हैं और 4 अंडर सेक्रेटरी होते हैं। मतलब ये सब सेक्रेटरी जो है जनरली आईएएस लोगों को प्रमोट करके यहाँ पर भेजा जाता है, तो ये सेक्रेटरी तभी बनते हैं। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में क्या हो गया, एक तो सेक्रेटरीट हो गया, इसके अलावा देखिए एक चीफ टेक्निकल एग्जामिनर्स विंग है, सीटीई बोलते हैं इसको, चीफ टेक्निकल एग्जामिनर्स विंग, ये भी कुछ काम करती है सीबीसी के लिए। और एक होता है विंग ऑफ कमिश्नर फॉर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, सीडीआई। अब इसको शॉर्ट में याद रखिए, ये तो हो गया सेक्रेटरीट, ये हो गया सीटीई और ये हो गया सीडीआई। अब ये सीबीसी के हिस्से हैं, यानी सीबीसी को अगर अलग अलग विभागों में बांटेंगे तो एक हमारा सेक्रेटरीट है, वहां पर सेक्रेटरीज रहते हैं जो सीबी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर को मदद करेंगे, चीफ टेक्निकल एग्जामिनर्स विंग रहते हैं, ये टेक्निकल, ये जनरली एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स लेवल के अधिकारी होते हैं, मतलब इंजीनियरिंग के फील्ड के व्यक्ति होते हैं, इनको टेक्निकल नॉलेज रहता है, इनको रखा जाता है वहां पे। क्यों रखा जाता है मैं आगे बताता हूं। विंग ऑफ कमिश्नर्स फॉर डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज, अब कुछ कमिश्नर्स होते हैं सीबीसी के पास, कुछ कमिश्नर्स होते हैं जो किसी भी डिपार्टमेंट में जाकर इंक्वायरी कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे कमिश्नर्स रखते हैं। तो वो कमिश्नर्स के बारे में भी आगे आपको बताते हैं, सीडीआई, तो सीटी, सीडी एंड सेक्रेटरीट, तो ये आप समझ गए। अब देखिए, लेकिन ये खुद इन्वेस्टिगेशन नहीं करता, सीबीसी खुद जाकर के किसी कोई कहीं पर कोई बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का केस पकड़ाई में आया 200 500 हजार करोड़ का, तो सीबीसी खुद नहीं जाता, वो किसको बोलेंगे, वो देखिए अगर उनको लगता है कि भाई ये केस जो है सीबीआई को देना चाहिए, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के पास ज्यादा क्षमता है, ज्यादा बेहतर वो कर सकते, तो सीबीआई को बोलेंगे कि भाई आप जांच करिए। और सीबीओ जो है यानी चीफ विजिलेंस ऑफिसर तो हर एक डिपार्टमेंट में होते हैं, इवन कॉरपोरेशंस में भी होते हैं, तो सीबीओ जो होते हैं ये इनको भी वो दे सकते हैं कि भाई आप अपने डिपार्टमेंट में जो है आप जांच करके हमें बताइए कि ये भ्रष्टाचार क्यों हुआ और कैसे
इसको दूर किया जा सकता है। तो सीबीआई और सीबीओ के माध्यम से वो इन्वेस्टिगेशन का काम कराते हैं। तो देखिए, ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है वो किस तरह से काम करती है और उनके पास क्या, उनके पास उस मशीनरी के अंतर्गत क्या क्या विभाग हैं, कौन कौन से उनके पार्ट हैं, वो भी आपको पता चल गया। अब यहाँ पर मैंने एक जिक्र किया था सीटीईओ का। सीटीईओ क्या काम करता है ये पता होना जरूरी है, क्योंकि जब आप सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को इतना विस्तृत रूप से पढ़ रहे हैं तो ये अब मन में आ ही जाता है कि यार सीटीईओ, ईओ को तो सर ने बताया नहीं ये काम क्या करता है। लेकिन हम संक्षेप में बता चुके हैं आपको कि सीटीईओ जो है ये, इसका फुल फॉर्म आप पहले तो ध्यान रखिए, चीफ टेक्निकल एग्जामिनर्स विंग, ठीक है, सीटीईओ हो गया। तो ये जो विंग है ये क्या काम करेगा, इसमें टेक्निकल, ये इसका काम रहता है टेक्निकल ऑडिट ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क। अब बहुत सारे केंद्र सरकार के बहुत सारे विभाग हैं, मंत्रालय हैं, उसमें क्या होता है कि टेक्निकल वर्क होता है बहुत सारे। मान लीजिए कहीं नेशनल हाईवे बन रहा है, वहां भी ब्रिजेस बन रहे हैं, अब करोड़ों खरबों रुपए खर्च होता है, तो उसमें टेक्निकल क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कहां पर गड़बड़ी हो सकती है, इसको तो कोई टेक्निकल आदमी समझ सकता है। तो इसीलिए इसके पास, इनके पास एक सीटीईओ के पास इंजीनियर्स होते हैं और वो टेक्निकल ऑडिट ऑफ द कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं। और क्या काम करते हैं इस पे भी देखें अपन। तो ये जो सीटीईओ होते हैं ये असिस्टेंस टू सीबीआई इन इन्वेस्टिगेटिंग टेक्निकल मैटर्स। अगर सीबीआई कोई जांच कर रही है और उनको कोई टेक्निकल इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई तकनीकी जानकारी चाहिए, तो फिर वहां भी उनको मदद करना होता है, असिस्टेंस टू सीबीआई इन इन्वेस्टिगेटिंग टेक्निकल इंफॉर्मेशन। और क्या काम करते हैं, तो एडवाइस एंड असिस्टेंट टू द कमीशन एंड सीबीओ इन टेक्निकल केसेस। अब सीबीओ को भी मान लीजिए किसी कॉरपोरेशन में कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर सीबीओ यानी चीफ विजिलेंस ऑफिसर जो है वो कोई जांच कर रहे हैं, अब उनको कुछ टेक्निकल मदद की जरूरत है, तो ये सीटीओ के जो इंजीनियर्स रहते हैं वो उनकी मदद करते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर जो है, या जो कमिश्नर है विजिलेंस कमिश्नर, उनको भी टेक्निकल अगर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, एडवाइस चाहिए, तो उनसे बुला के वो बात कर सकते हैं। तो बहुत सारे मंत्रालय और विभाग होते हैं भारत सरकार के जहां पर ये टेक्निकल काम होते रहते हैं। तो मैंने इसीलिए कुछ नीचे कुछ एग्जांपल के लिए बताया आपको कि देखिए, इन 2017 सीटीईओ अंडरटुक 66 प्रोक्योरमेंट केसेस, 66 केसेस उन्होंने प्रोक्योरमेंट केसेस, जिसमें जो है निर्धारित सीमा से ज्यादा खर्च हो गया था, अनावश्यक खर्च हो गया था, गलत तरीके से खर्च हो गया था, तो उन जगहों पर उन्होंने प्रोक्योरमेंट किया यानी वसूली करवाई उन्होंने। कहां कहां पर, तो मैंने कुछ एग्जांपल्स में बताए कि 52 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, 52 ऐसी संस्थाएं थी। एक तो रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे वाला जो है बहुत खर्चा वाला विभाग है, सीपीडब्ल्यू है ना, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट सीपीडब्ल्यूडी है। इसके अलावा एम्स, जगह जगह एम्स जो बने उससे बहुत खर्च हुआ पैसे का, वहां भी उन्होंने टेक्निकल जानकारी वगैरह देखी। इसके अलावा ये जो एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन होता है वहां पर भी बहुत बड़ा खर्चा होता है, ONGC तो एक कॉरपोरेशन है भारत सरकार का, यहां भी बहुत सारा खर्चा होता है। अब यहां पर जो खर्चे हुए, उन खर्चों में जो टेक्निकल, जो कंस्ट्रक्शन का काम हुआ, कोई तकनीकी काम हुआ, तो उन जगहों पर इन ये जो सीटीईओ है उन्होंने स्टडी की और देखा कि अनावश्यक खर्च हुआ, और उन खर्चों के लिए, उन खर्चों में जिन लोगों ने गलती की उनमें से प्रोक्योरमेंट किया, कुछ पैसा जो गलत तरीके से खर्च हुआ उसको वापस भी ले आए। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है वो इस तरीके से बहुत सारी संस्थाओं से मिलजुल कर काम करते हैं, जिनमें से एक जो है वो सीटीईओ है। अब हम लोग सीटीईओ से आगे बढ़ते हुए एक हमने और आपको हिस्सा बताया था सीवीसी का, उसका नाम था ये कमिश्नर फॉर डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज यानी कि सीडीआई। और देखिए ये सीडीआई की जो है ना 14 पोस्ट होते हैं यहाँ पर 14। तो ये क्या करते हैं, अलग अलग विभागों में जो इंक्वायरी से रिलेटेड काम है ये
इन उन कामों को देखने का काम करते हैं। तो ये इंक्वायरी से रिलेटेड काम भी हो गया, और टेक्निकल इंफॉर्मेशन अगर चाहिए तो CTEO दे देते हैं। इसके अलावा एक ये जो हमारा सीवी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, ये एक और काम करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे इंटेग्रिटी इंडेक्स डेवलपमेंट, IID है ना, यहाँ पर ये पॉइंट है, IID, इंटेग्रिटी इंडेक्स डेवलपमेंट। तो अब ये कोशिश कर रहे हैं कि इंटेग्रिटी इंडेक्स डेवलपमेंट जो है इसको विकसित किया जाए ना, इंटेग्रिटी इंडेक्स बनाया जाए। तो अगर इंटेग्रिटी इंडेक्स बनाएंगे देश में, तो देखिए विभिन्न विभागों यानी विभिन्न जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें करप्शन की क्या स्थिति है जानने का मौका मिलेगा। उससे हमें ट्रांसपेरेंसी का लेवल, अकाउंटेबिलिटी का लेवल एंड एफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस ऑफ पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है, भारत सरकार के जो विभिन्न विभाग हैं, मंत्रालय हैं, उनमें ट्रांसपेरेंसी की क्या स्थिति है, अकाउंटेबिलिटी यानी कि जवाबदेहता की क्या स्थिति है, और गवर्नेंस यानी कि ओवरऑल गवर्नेंस यानी कि शासन व्यवस्था किस तरह से चल रही है, ये सब जानने को मिलेगा। तो इसके लिए भी कोशिश जारी है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का कि IID तैयार किया जाए, यानी इंटेग्रिटी इंडेक्स डेवलपमेंट बनाया जाए। और इसके लिए इन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद से इन्होंने मदद भी ली है, और उनको सजेस्ट किया है कि आप इंटेग्रिटी इंडेक्स बनाने के कुछ मापदंड तय कीजिए। तो इस पे काम चल रहा है, आने वाले समय में हो सकता है कि ये जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है इस इंडेक्स के आधार पर विभिन्न विभागों के जो रैंकिंग है वो भी जारी कर सकते हैं। तो देखिए सेंट्रल विजिलेंस कमीशन हमारे देश में करप्शन को कम करने के लिए जो इंडेक्सेज होते हैं उन पर भी काम कर रहे हैं। इनके अलावा देखिए इनके ज्यूरिसडिक्शन में बहुत बड़ा क्षेत्र आता है, यानी भारत सरकार का, केंद्र सरकार का बहुत सारे जो अधिकारी और कर्मचारी हैं वो इनके ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं। जैसे मैंने कुछ यहाँ पर आपको बताने का प्रयास किया है क्या क्या चीज आता है। तो CVC एक्ट 2003 है, 2003 में ये स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन बना। तो इस CVC एक्ट में देखिए, एक तो मेंबर्स ऑफ ऑल इंडिया सर्विस सर्विंग इन कनेक्शन विद अफेयर्स ऑफ यूनियन एंड ग्रुप ए ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो केंद्र सरकार के ग्रुप ए ऑफिसर्स लेवल के जो अधिकारी हैं वो, और ऑल इंडिया सर्विस के जो अधिकारी हैं जो केंद्र सरकार के लिए काम कर रहे हैं वो सब इनके ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं, यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के परिधि में आते हैं, उसकी जांच की परिधि में आते हैं। एक बात तो ये, दूसरा और थोड़े देखते हैं, ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ स्केल 5 एंड अबव इन पब्लिक सेक्टर बैंक, जो पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं सार्वजनिक उपक्रम, उनमें जो स्केल 5 के ऊपर, 5 या उसके ऊपर के अधिकारी होते हैं उनकी जांच या उनके बारे में भी इंक्वायरी वगैरह से रिलेटेड काम CVC के दायरे में आता है। इसके अलावा ऑफिसर्स इन ग्रेड D एंड अबव इन RBI, रिजर्व बैंक के जो अधिकारी हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, उनके ग्रेड D लेवल के अधिकारी RBI के, नबार्ड के और CDBI के, ये सभी अधिकारी जो हैं ग्रेड D लेवल या उसके ऊपर के अधिकारी, वो भी इनके जांच के दायरे में आते हैं। इसके अलावा मैनेजर्स एंड अबव इन GIC, जो हमारा जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है, आम बीमा निगम जिसको बोलते हैं, सामान्य बीमा निगम, उसमें जो मैनेजर्स और उससे अधिक स्तर के अधिकारी हैं वो इनके दायरे में आते हैं। सीनियर डिविजनल मैनेजर एंड अबव इन LIC, LIC में सीनियर डिविजनल मैनेजर और उसके ऊपर के जो अधिकारी होते हैं वो भी CVC के जांच की परिधि में आते हैं। ऑफिसर्स ड्रॉइंग सैलरी, ये तो थोड़ा पुराना आंकड़ा होगा, ये नए में चेंज हो गया होगा डिपार्टमेंट्स में, लेकिन उस समय के हिसाब से 8,700 पर मंथ या अबव सैलरी पाने वाले जो ऑफिसर्स हैं वो भी इनके दायरे में आते हैं। तो बहुत बड़ी संख्या में अधिकारी और कर्मचारी विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के दायरे में आ जाते हैं। इसके अलावा अभी जब 2013 में लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट बना, तो लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013 से अगर कोई प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करना होता है किसी विभाग में या कुछ कुछ किसी स्तर के अधिकारियों का, तो कभी कभी वो भी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को दिया जाता है। इसके अलावा देखिए व्हिसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2014, ये तो इनको तो एम्पावर किया गया है कि इस एक्ट से रिलेटेड जो भी व्हिसिल ब्लोअर्स हैं तो उनसे अगर कोई शिकायत, कंप्लेन वगैरह रिसीव करना है
तो वो सीवीसी को डायरेक्ट कंप्लेन कर सकते हैं, सीवीसी को दे सकते हैं। तो व्हिसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2014 के तहत भी इनको जो है ऑथोरिटी दी गई है। तो देखिए कितना सारा पावर सीवीसी के पास है, यानी कि ऑल इंडिया सर्विस के अधिकारियों, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो अधिकारी हैं केंद्र सरकार के उनसे रिलेटेड, इसके अलावा बैंकों के जो स्केल 5 या उसके ऊपर के अधिकारी हैं पब्लिक सेक्टर बैंक के, इसके अलावा आरबीआई, नबार्ड, सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक सिडबी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नबार्ड, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन सब के जो ऑफिसर होते हैं ग्रेड डी या उसके ऑफर के उसके एवब के ऑफिसर, मैनेजर्स एंड एवब इन जीआईसी, इसके अलावा सीनियर डिविजनल मैनेजर एंड एवब इन एलआईसी, इसके अलावा 8,700 पर मंथ या उससे एवब सैलरी पाने वाले। तो ये सैलरी आज की डेट में कम नजर आ रही है आपको, लेकिन ये सैलरी जो है ये पुराने डेट से दी गई है, नए में ये चेंज हो सकता है। तो इसीलिए आप इसके ऊपर थोड़ा सा अपना जो है सर्च वर्क कर सकते हैं। लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013 के तहत भी इनको कुछ पावर दिया गया है, और व्हिसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2014 के तहत भी कुछ चीजों का ज्यूरिसडिक्शन सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के पास आता है। तो ये इनके ज्यूरिसडिक्शन हो गए, लेकिन इसके बावजूद भी देखिए इनके कुछ लिमिटेशंस है। क्या लिमिटेशन है? तो देखिए, एक तो कुछ लोगों का ये कहना है कि भाई ये केवल एडवाइज बॉडी है, मतलब ये खुद इन्वेस्टिगेट चीजों को नहीं कर पाता है, केवल ये एडवाइस करता है। अगर कुछ जांच करनी है, गहन जांच करनी है तो सीबीआई को बोलते हैं, या किसी डिपार्टमेंट में जांच करनी है तो सीबीओ को बोलते हैं, चीफ विजिलेंस ऑफिसर को। खुद जो है ये इन्वेस्टिगेशन का काम नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए इनको एक एडवाइजरी बॉडी के रूप में ही देखा जाता है। इसके अलावा अगर कोई अधिकारी, किसी केंद्र सरकार का अधिकारी कोई अपराध अपराध करता है, कोई क्रिमिनल केस होता है, तो उसकी जांच भी ये नहीं कर पाते हैं, उसके लिए भी ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई पर निर्भर हो जाते हैं। एंड लैक ऑफ द रिसोर्सेज एंड पावर, और इनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज और पावर भी इनको नहीं मिला हुआ है, मतलब इनके पास सीमित साधन है और कार्य का दायरा भी इनका सीमित है। तो ऐसा करके कुछ लिमिटेशंस भी हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात, एक और जानकारी इसमें जानना जरूरी है। जैसे बहुत सारे पब्लिक कॉर्पोरेशन हैं या भारत सरकार के बहुत सारे मंत्रालय हैं, विभाग हैं, तो वहां पर अंदरूनी जो चीजें हैं उनको कैसे देखा जाता है, तो उसके लिए एक व्यवस्था की गई है जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन से ही जुड़ा है। तो कोई भी मंत्रालय है या विभाग है केंद्र सरकार का या पब्लिक कॉर्पोरेशन है, वहां पर जब सीबीओ की नियुक्ति होती है, यानी चीफ विजिलेंस ऑफिसर की नियुक्ति होती है, तो वो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर की सलाह पर होती है, यानी सीबीसी के एडवाइस पे ही उनकी नियुक्ति की जाती है। अब इसमें सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि चीफ विजिलेंस ऑफिसर काम क्या करते हैं, तो आपको बहुत आसानी से मैं ये चीजें जो है आप जान सकते हैं इसको। देखिए पहला काम है इसका प्रिवेंटिव विजिलेंस, यानी कि सीबीओ जो होता है विभागों में या कॉर्पोरेशंस में, तो उनका पहला काम होता है प्रिवेंटिव, यानी कि करप्शन हो ही ना, देयर शुड बी नो करप्शन, यानी कि करप्शन होने से पहले ही रोक देना। तो वो कैसे होगा, तो देखिए जो प्रोसीजर है उसको थोड़ा मॉडिफाई करने के लिए एडवाइस करते हैं ये, सिंप्लीफाइड प्रोसीजर, यानी प्रोसीजर जो है वो सिंपल होना चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड होगा, जटिल होगा तो करप्शन की संभावना बढ़ जाएगी। इसके अलावा रिव्यू रेगुलेटरी फंक्शन, हर एक विभाग में कुछ नियंत्रणकारी संस्थाएं होती है जो रेगुलेटरी फंक्शन होता है कि ये काम हुआ कि नहीं हुआ, या कोई जो वहां पर रेगुलेटरी फंक्शन करने वाले जो ऑफिसर है, नियंत्रण करने वाले अधिकारी है, वो प्रॉपर काम कर रहे हैं कि नहीं। तो ये जो विजिलेंस, ये जो सीबीओ होता है यानी चीफ विजिलेंस ऑफिसर होते हैं, उनको भी देखते हैं। इसके अलावा मॉनिटर यूज ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर, अब कई अधिकारी होते हैं विभिन्न विभागों में कॉर्पोरेशन में जो डिस्क्रिशनरी यानी विवेकी शक्ति का प्रयोग करते हैं, तो उसका मिसयूज तो नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा एजुकेट सिटीजंस, आपने देखा होगा बहुत सारे जो विभाग होते हैं, मंत्रालय होते हैं, या बहुत सारे बैंकों के कार्यालय में आप जाएंगे, बैंकों में एलआईसी के दफ्तर में जाएंगे, तो वहां देखेंगे सामने एक बोर्ड लगा होता है कि अगर आपसे कोई कोई जो है घूस मांगता है, ब्राइब मांगता है, या कोई आपसे पैसा मांगता है, तो आप ये जो है केंद्रीय सतर्कता आयोग या चीफ विजिलेंस ऑफिसर सीबीओ के इस मुख्य सतर्कता अधिकारी के इस नंबर पे फोन कर सकते हैं। वो सब इसीलिए एजुकेट सिटीजंस, यानी कि जनता को
आपको बताना कि अगर आपको कोई कोई आपसे पैसा मांगता है या भ्रष्टाचार की बात करता है तो आप सीधे फोन कर सकते हैं, बता सकते हैं। हर एक कार्यालय में सामने ही ये लिखा होना जरूरी होता है, और वहां पर जो सीबीओ होते हैं, चीफ विजिलेंस ऑफिसर, उनका नाम भी लिखा होता है। तो ये देखिए, ये भी एक काम होता है, आइडेंटिफाई करप्शन प्रोन एरियाज। वो हर एक विभाग में कुछ ऐसे विभाग होते हैं, कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर करप्शन की संभावना ज्यादा होती है, चाहे वो बैंक हो, बैंक में जैसे लोन वाला विभाग है, LIC में जो क्लेम वाला डिपार्टमेंट है, यानी इंश्योरेंस सेक्टर में जहां से लोग दावा वगैरह का भुगतान करते हैं, क्लेम का भुगतान होता है, ये सब क्या है, करप्शन प्रोन एरियाज हैं। जैसे किसी भी कार्यालय में सेंट्रल गवर्नमेंट के इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट है या और भी कोई डिपार्टमेंट है, तो हर डिपार्टमेंट में, मंत्रालय में कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर करप्शन की संभावना बढ़ जाती है। तो ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन सा एरिया है जहां करप्शन हो सकता है। इसके अलावा प्रिपेयर लिस्ट ऑफ ऑफिसर ऑफ डाउटफुल इंटेग्रिटी, ऐसे अधिकारी जिनकी इंटेग्रिटी, यानी जिन जिनकी जो इंटेग्रिटी है, यानी कि सत्य निष्ठा जिसको बोलते हैं, वो थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन के प्रति नहीं है। आप सरल भाषा में समझिए कि वो भ्रष्टाचार करने की प्रवृत्ति है, टाइम का वो पालन नहीं करते, ऑर्गेनाइजेशन के हितों का ध्यान नहीं रखते, गड़बड़ी करते हैं कुल मिला के। तो ऐसे अधिकारियों की सूची बना लेते हैं, वो ऐसे अधिकारियों की लिस्ट बना लेते हैं और उनपे अलग से नजर रखते हैं कि भाई ये कुछ गड़बड़ अधिकारी है, ये क्या कर रहे हैं, कैसे इनकी फंक्शन चल रही है, परफॉर्मेंस क्या है, तो ये सब काम भी ये देखते हैं। एंड एनश्योर पीरियोडिकल रोटे, यानी कि अधिकारियों का जैसे बड़े महत्वपूर्ण काम रहते हैं, पद रहते हैं, तो वो चेंज होते रहना चाहिए। ये नहीं कि एक ही अधिकारी उस पद पर बहुत सालों तक है, वो चेंज करते रहना, उसको 2-3 साल 4 साल में एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में स्थानांतरित कर देना, या एक काम से दूसरे काम पे भेज देना, वो इन्हीं सब चीजों का हिस्सा है। मतलब अगर कोई व्यक्ति एक ही पद पर बहुत सालों से है तो करप्शन की संभावना बढ़ जाती है। तो इसीलिए ये सब काम प्रिवेंटिव विजिलेंस के अंतर्गत रखा गया है। फिर एक होता है प्यूनिटिव, यानी कि पनिश करने वाला काम, कि मान लो अब हो ही गया, करप्शन कर ही दिया, किसी ने गड़बड़ी करी दी, मिसयूज ऑफ पावर हो ही गया, तो क्या करेंगे, तो भाई अब अगर ऐसा हो गया तो कंप्लेन रिसीव करो, जितने भी जहां से भी कंप्लेन आ सकता है उसको रिसीव करो, और क्या कर सकते हैं, उसको इन्वेस्टिगेट करो, यानी डिपार्टमेंट के चीफ विजिलेंस ऑफिसर जो हैं उनके पास भी कई अधिकारी रहते हैं, तो इन्वेस्टिगेट करेंगे कि भाई कैसे गड़बड़ी की आपने, कैसे गड़बड़ी की, क्यों की, क्या किस स्तर पे गड़बड़ी हुई, कितनी गड़बड़ी हुई, तो इन्वेस्टिगेट करेंगे। फिर टाइमली इशू ऑफ द चार्जशीट, अब पता चल गया कि भाई गड़बड़ी हुई तो क्या करेंगे, उस पर चार्जशीट लगाएंगे, यानी आरोप पत्र उसको तय करेंगे कि भाई आपने गड़बड़ी की, भ्रष्टाचार किया, तो ये आपके ऊपर ये आरोप लग गया। अब फिर क्या होगा, अब आरोप पत्र लग गया तो फिर प्रोसेस आगे बढ़ेगा, इंक्वायरी ऑफिसर वगैरह आएंगे, इंक्वायरी ऑफिसर की नियुक्ति होगी, फिर वो इंक्वायरी ऑफिसर जो है उस सारी जाँच करेंगे कि किस किस तरह से गड़बड़ी हुई, कितना नुकसान हुआ, फिर वो रिपोर्ट जो है CBO के पास जाएगा, और फिर इस तरह से वो जो करप्ट अधिकारी या कर्मचारी होंगे उनको क्या सजा मिलनी चाहिए, क्या उनको हटाना चाहिए, नहीं हटाना चाहिए, उनका इंक्रीमेंट कम करना चाहिए, सैलरी कम करना चाहिए, ये सब बाद में तय होता है। तो उसी को बोलते हैं एंश्योर डिस्पोजल ऑफ विजिलेंस केसेज, और फिर इस तरह से जो विजिलेंस केसेज रहते हैं उनको डिस्पोज ऑफ किया जाता है, उसको खत्म किया जाता है। तो देखिए, CBO जो होता है ये इंटरनल काम को देखता है, यानी CVC ने अपना हाथ जो है फैला दिया है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है उनके पास तो देखिए 3 ही लोग हैं ऊपरी तौर पर, एक जो है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर है और 2 विजिलेंस कमिश्नर है, लेकिन फिर उनके पास जिस तरह की संस्था उन्होंने बनाई, एक तो CBI की मदद लेके काम करते हैं और दूसरा CVO की मदद लेके काम करते हैं, और CVO यानी चीफ विजिलेंस ऑफिसर हर एक डिपार्टमेंट में, जो हमारे जो CVC होते हैं यानी चीफ विजिलेंस कमिश्नर होते हैं, यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होते हैं, उनकी जो है मदद से जो है उनकी नियुक्ति की जाती है, तो वो उस डिपार्टमेंट का पूरा ध्यान रखते हैं कि भाई यहाँ पर पहले तो प्रिवेंटिव विजिलेंस करो, फिर प्यूनिटिव विजिलेंस करो, और फिर लास्ट में आता है सरप्राइज विजिलेंस। सरप्राइज विजिलेंस मतलब
कि ये इन दोनों काम को यानी कि प्रिवेंटिव विजिलेंस का ही एक हिस्सा है। यानी किसी भी विभाग में, किसी भी मंत्रालय में, किसी भी डिपार्टमेंट अचानक चले गए और पूरी की पूरी प्रोसेस उन्होंने देखी कि जो कंट्रोलिंग की प्रोसेस है, रेगुलेटरी फंक्शन है, वो ठीक से हो रहा है कि नहीं है। तो उसको बोलते हैं सरप्राइज इंस्पेक्शन इन सेंसिटिव एरियाज, जहां पर गड़बड़ी की संभावना रहती है। भुगतान जैसे गलत तरीके से हो रहा है, गलत व्यक्ति को भुगतान किया जा रहा है, ये सब जांच कैसे होगा? तो सरप्राइज इसके लिए इंस्पेक्शन किया जाता है। तो वो सरप्राइज इंस्पेक्शन में कई बार गड़बड़ियां पता चल जाती है। इसके अलावा मॉनिटर केसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन डिसिप्लिनरी एक्शन ऑन मॉनेटरी बेसिस, यानी कि किसी विभाग में, मंत्रालय में अगर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है तो इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, प्रॉपरली डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा रहा है कि नहीं, ये सब कौन देखेगा? तो ये चीफ विजिलेंस ऑफिसर जो है इस पर भी नजर रखते हैं कि अगर करप्शन पहले तो करप्शन हो नहीं तो प्रिवेंटिव विजिलेंस कि भाई क्या क्या काम करना चाहिए, तो प्रोसीजर को सरल कर दीजिए, है ना। इसके अलावा प्रोसीजर सरल हो जाएगा तो थोड़ी भ्रष्टाचार की संभावना कम रहेगी। और क्या कर सकते हैं? तो जो रेगुलेटरी फंक्शन है, नहीं वो अधिकारी जो रेगुलेट करने वाले लोग हैं वो प्रॉपर काम कर रहे हैं कि नहीं, रेगुलेट कर रहे हैं कि नहीं, नियंत्रित कर रहे हैं कि नहीं विभिन्न विभागों में, उन पर भी नजर रखते हैं। फिर जो डिसिप्लिनरी एक्ट, जो मॉनिटर यूज ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर्स, यानी जो अधिकारी अपने विवेक का उपयोग कर रहे हैं तो उसका दुरुपयोग तो नहीं कर रहे भाई। डिस्क्रिशनरी पावर जो है ये संस्था के हित के लिए दिया गया, उसका उपयोग करके आप अपना घर भर रहे हो, भ्रष्टाचार कर रहे हो, तो इस पे भी नजर रखते हैं ये सीबीओ। और एजुकेट सिटीजन, सिटीजन्स को एजुकेट करना भी ये एक जिम्मेदारी है इनकी। इसके अलावा वो एरिया पता लगाओ कि कहाँ पर करप्शन हो सकता है, करप्शन प्रोन एरिया, और इसके अलावा जो भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारी हैं उनकी एक लिस्ट बना के रखो कि वो गड़बड़ी कर सकते हैं, पता होना चाहिए अपन को। लगातार जो है इधर से उधर अधिकारियों को एक जगह जमने मत दो, एंश्योर पीरियोडिकल रोटेशन, चेंज करते रहो उनकी जगह को, ये सब चीजें करते हैं। फिर अगर करप्शन मान लीजिए हो गया तो उस पर भी नजर रखते हैं भाई, कंप्लेन आया, कंप्लेन में भाई इन्वेस्टिगेट किया, इन्वेस्टिगेट करने के बाद उसके बाद क्या किया, चार्जशीट, अगर मान लीजिए पता चल गया कि हाँ गड़बड़ी हुई है तो चार्जशीट तैयार किया, फिर इंक्वायरी ऑफिसर को भेजा, जांच वगैरह हुआ और अल्टीमेटली वो सारा मैटर को खत्म करके जो है एंश्योर डिस्पोजल ऑफ विजिलेंस केसेस। तो इस तरह से सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है पूरे देश के विभिन्न विभागों और जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, पब्लिक सेक्टर कॉरपोरेशंस हैं, उन सब पर भी नजर रखते हैं सीबीओ की मदद से। और एक और इनके पास जरिया होता है सरप्राइज विजिलेंस का, अचानक किसी विभाग में चले गए, किसी मंत्रालय में चले गए, किसी करप्शन प्रोन एरिया में जाके जांच करने लग गए। तो इन सब चीजों से क्या होता है कि करप्शन करने वाले जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो डरते हैं और करप्शन करने का जो उनका तरीका होता है वो उन पर नियंत्रण लगता है, विवेकी शक्तियों के दुरुपयोग पर नियंत्रण रखता है, विभागों की ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाती है। तो इस तरह से कहने का मतलब यह हुआ कि विभिन्न विभागों में इस तरह से सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के प्रभाव के कारण करप्शन को कम करने में मदद मिलती। तो आपने देखा कि बहुत सारे मंत्रालय, विभाग, केंद्र सरकार के अधिकारी कर्मचारी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के दायरे में आते हैं। तो इसीलिए आजकल जो विभिन्न विभाग हैं, मंत्रालय हैं, केंद्र सरकार के विभिन्न जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, इंश्योरेंस के ऑफिसेज हैं, उन सब जगहों पर सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, इसके अलावा सीबीओ, इन सब के अधिकारियों के नाम और साथ ही साथ उनके साथ साथ फोन नंबर भी लिखे होते हैं, जिससे अगर किसी को भी लगता है कि यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है तो वो सीधे उनसे संपर्क में आ सकते हैं और जानकारी दे सकते हैं। तो अल्टीमेटली सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का जो हमने ऊपर में पर्पस लिखा था, क्या पर्पस था? टू फाइट अगेंस्ट करप्शन, यानी करप्शन को कम करने वाली एक मशीनरी। तो ये साबित हो गया कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन अगर प्रॉपरली जिस तरह से काम कर रही है, अगर वो लगातार करती रहेगी तो निश्चित ही सेंट्रल विजिलेंस कमीशन अगर लगातार काम करती रहे तो निश्चित ही भारत में करप्शन को कम करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा देखिए, ये जो एक विजिलेंस कमिश्नर है ये अभी वर्तमान में हमारे हैं संजय कोठारी महोदय जो हैं, ये वर्तमान जो है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर हैं। ये
आपको शुरू में ही बताया गया है कि इनकी जो नियुक्ति होती है ये कितने सालों के लिए होती है, 4 साल के लिए, और अब 65 साल की है, जो भी पहले हो वो हो जाती है। अच्छा, इन्होंने एक और इनिशिएटिव लिया है, क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक जन्मदिन होता है, तो वो जन्मदिन जो है वो 31 अक्टूबर है, तो क्या करते हैं कि अवेयरनेस को डेवलप करने के लिए, यानी विजिलेंस अवेयरनेस वीक मनाते हैं। तो ये भी ध्यान में रखिएगा कि जनता को, क्योंकि मैंने इसमें ये पर्पस में लिखा है कि इनका एक पर्पस ये भी रहता है सीवीओ का, यानी चीफ विजिलेंस ऑफिसर, और चीफ विजिलेंस ऑफिसर किसके बिहाफ पे काम करते हैं, सीवीसी के बिहाफ पे काम करते हैं, तो इनका ये भी एक मकसद रहता है कि जनता में अवेयरनेस आए, विजिलेंस के प्रति अवेयरनेस आए, करप्शन को रोकने के प्रति अवेयरनेस आए, और इस अवेयरनेस की प्रोसेस में एक डेट तय किया गया, एक सप्ताह मनाया जाता है, जो जनरली क्या होता है कि ये अक्टूबर के लास्ट से लेकर नवंबर के पहले सप्ताह में होता है। जैसे 2019 में, 2019 में 28 अक्टूबर 2019 से 2 नवंबर 2019 तक यह मनाया गया, इंटेग्रिटी ए वे ऑफ लाइफ, इंटेग्रिटी ए वे ऑफ लाइफ, तो हर साल ये जो है इंटेग्रिटी ए वे, मतलब ये मनाया जाता है सप्ताह, और उसका मकसद ही रहता है विजिलेंस अवेयरनेस वीक, यानी सतर्कता के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़े, और ईमानदारी के प्रति लोगों में सजगता बढ़े, और भ्रष्टाचार में कमी आए। यही मकसद है हमारे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का। थैंक यू।